उठे कबूतरा कास दावे जाही बाण के चिट्ठी रसान सजना ओ जिंद गमान कीती लाचार डाडी वे दिला चल ढूंढन चलिए उठ वे दिला चल ढूंढन चलिए करनी सजन मिल दे बिन तकलीफों मिल देना जेड़े ने मैरम दिल दे। आज इस समय हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं तारिक परदेसी जी, जिन्होंने आपने खसूसी सोशल मीडिया अगर हो कहीं भी जितने सारे प्लेटफॉर्म में उनमें देखा होगा, जिस तरह से अगर इनकी गायकी की अगर बात करें, अगर सुफियाना कलाम की बात करें, पहाड़ी सॉन्ग की बात करें, गोजरी की बात करें, हर एक जबान में इन्होंने आपने जो शायर हैं जो आपने कलाम है वो पेश किए हैं। ज़्यादा ना वक्त बर्बाद किए हुए इनसे हम बातचीत करेंगे और जितने भी इन्होंने कलाम गाए हैं थोड़े थोड़े अशार हम भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मोस्ट वेलकम आपका। अच्छा सर, ज्यादा हम इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस चीज पे आते हैं जिसके लिए आज हम आपके पास पहुंचे हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को, जितने देखने वाले हैं उन तक शुरुआत करें। बिन तकलीफों मिल देना जेड़े मैरम दिल दे। कच्चे पांडे न्यू लगाना कच्चे पांडे न्यू लगाना की तेरी दानाई न्यू लगाय उस कारी घर नाल जिस ए शक्ल बनाई न्यू लगा उस कारी घर नाल जिस ए शक्ल बनाई टुर गए यार मोहब्बतां वाले टुर गए यार मोहब्बतां नाले ले दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद जाए केड़े पासे दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद जाए केड़े पासे बस करमिया मोहम्मद बख्शा बस करमिया मोहम्मद बख्शा मोड़ कलम दा कोड़ा मोड़ कलम दा कोड़ा सारी उम्र दुख नहीं मुकने वरका रह गया थो सारी उम्र नहीं मुकने वरका रह गया थोड़ा वरका रह गया थोड़ा। ये तो बहुत लंबा है, सुफियाना सैफुल मलूक मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ। सर, लेकिन मैंने चंद शेर सुनाया आपको। बचपन में हम जब छोटा हुआ करते थे ना तो सर हम आपकी कैसेट वो टेप रिकॉर्डर नहीं होते थे तब वो सुना करते थे, लेकिन जब आज हम कलाम हुए तो आवाज वैसी की वैसी सर। ये अल्लाह की मेहरबानी है, बस उनकी देन है। जो है वो कहते हैं ना कि बस जो भी मुझे दिया मेरी सरकार ने, इतनी मेरी औकात नहीं, ये सब आपकी दुआओं का असर है, वरना मुझ में कुछ ऐसी बात नहीं। तो सर
इसी के साथ अगर बात करें, अगर तो हम आपके यूट्यूब्स पे भी बहुत सारे सॉन्ग देखते रहते हैं, जिस तरह से आपने 5 पार्ट उसमें गाए, जो दूसरे वाला पार्ट था सर, सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा था, बहुत लोगों को पसंद आ रहा था, उसके चंद इशार हो जाएं हमारे लोगों के बीच सामने। सुफियाना मेरा पार्ट टू, जी बहुत प्यार दिया उसको लोगों ने। जलालुद्दीन फानी साहब का कलाम है लिखा हुआ, और मैं उसके 2 शेर सुनाता हूँ आपको जरूर। अल्फ उठे कबूतरा कास दावे जाही बाण के चिट्ठी रसान सजना ओ जिंद गमान कीती लाचा कर मुश्किला कुछ आसान सजना दिन रात फेराक दे तीर लगन जिगर जख्मी ते शेमान सजना तू हुसैन दीदार नसीब फानी कर सा रब दा शुक्र एहसान सजना खे खैर दी खबर ले आ कोए खबे बोली ना सजया तू बोल कागा आए खबे बोली बोली दीते तू खूब तोखे आजज जिंद न मानी ना रोल कागा केड़े जुर्म दी दीती सजा मेगी पेत दिला दे कदे ते खोल कागा हाय उम्र गुजर गई दुख दर्द अंदर दिल फानी दाए डमा डोल कागा शीन शहर बाजार असी लोड़ थके मिलिया नहीं ओ गुमे यार साड़ा है जिंद गमा बिच होई लाचार डाडी डुबिया चैन ते ओ बरखुरदार साड़ा रोण के औंधी सी मैं पिला बिच जिसे दी छोड़ी गया ओ यार दिलदार दा है डेरा से नगर फानी कीता दिल दा नगर उजाड़ सड़ा बाग बाग हो गया सर। बस वक्त की कमी रहती है और हम भी चाहते हैं कि अलग अलग अशार लोगों तक पहुंचे। सर अब क्या कहेंगे, जिस तरह से गोजरी भी आप गाते हैं, पहाड़ी भी गाते हैं, 2 अशार कंप्लीट हो चुके हैं, अब थोड़ा सा हम पंजाबी पे आएंगे एक मेरी फरमाइश पे। सर मैं कहता हूं सर, जो खासकर आज नौजवान युवा पीढ़ी है, दमादम मस्त कलंदर, उसके चंद अशार सर उसके लिए बुरे रहे। सुफियाना तो हो गया, अब थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट में गीत सुना देता हूँ, आप चाहें तो पंजाबी में कोई गीत सुना देता हूँ। पंजाबी में ही गाएं थोड़ा सा धमाके वाला। धमाके तो म्यूजिक से होते हैं, रिदम से होते हैं, गाने से नहीं होते। जब आपके पास पूरा ऑर्केस्ट्रा होता है, अच्छे माइक सिस्टम होता है, तो धमाके आप अपनी आवाज से धमाका कर सकते। आपको लफ्ज सुना सकता हूँ, तो मैं एक पंजाबी सुनाऊंगा नूर जान जी का गाया हुआ एक गीत है। कल्ली कल्ली जान दुख लख तै करो
छोड़वे दूर जान वाले आ मोहरा हुण मोड़वे कल्ली कल्ली जान दुख चन्ना तेरी याद नाल दुख आज पोलिया दुख आज पोलिया खाली खाली हंजूदा बुआया ज टोलिया बुआया ज टोलिया नैना वाली नदी बिच प्यार दिता रोड़वे दूर जान वालिया मोहरा हुण मोड़वे कल्ली कल्ली जान दुख लख ते करोड़वे वे दूर जा घर हो तो मेरा पड़ोसी मुझे नहीं जानता कि तारक परदेसी कौन है। क्यों? कि वो कश्मीरी है, वो कश्मीरी स्पीकिंग है, तो जो कश्मीरी बोलने वाला है उसे क्या पता पहाड़ी है ये कलाकार है ये स्टार है या नहीं है, क्या पता। तो उसके ब्रेक्स जो है रजौरी पुंछ में कश्मीरी कहीं इक्का दुक्का सुनने को मिलता है, बाकी गोजरी और पहाड़ी ये दो जबानें हैं जो बोली जाती हैं। तो ये इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, हम गोजरी भी समझते हैं जैसे पहाड़ी वाले गोजरी समझते हैं, गोजरी वाले पहाड़ी को समझते हैं। और हमारे गाने हम अगर बेशक पहाड़ी में गाते हों लेकिन गोजरी बोलने वाले जो लोग हैं गोजर भाई हमें ज्यादा वो ही सुनते हैं, उनको अच्छे से मजा आता है, समझ भी आती है। तो इसलिए ये इन लोगों से हमारा अच्छा वाबस्ता है, उठना बैठना है या हम काम उनके साथ करते हैं, मजा आता है जी। तो अब मैं उनके लिए एक लोक गीत पहाड़ी का हाँ। रजौरी पुंछ के दोनों डिस्ट्रिक्टों के कंगना दी जोड़ी वे चन हथ कटोरा दुद दा कंगना दी जोड़ी वे चन हथ कटोरा दुद दा तू है माड़ी जान सदके में दीवाना दुद दा चन कंगना दी जोड़ी वे तू है माड़ी जान सदके में दीवाना तोद दा चन कंगना दी जोड़ी वे कंगना दी जोड़ी वे चन काले काले तो नौकरी ते में प्यारा इस वे चन कंगना दी जोड़ी वे कंगना दी जोड़ी वे कांबली उतों डारिया तुड़िया सोनिया जुल्फाने दिल कले जा साड़िया चन कंगना दी जोड़ी वे तल्ला देया शहरा दा पानी तत्ता तेल वे जींदिया ने फेर मिलना मोया दा के मेल वे चन कंगना दी जोड़ी वे चन कंगना दी जोड़ी वे बहुत किल्लत है तो मैंने शॉर्टकट थोड़ा ये जो लिखे हुए हैं सारे कलाम जो आप ही के लिखे हुए हैं नहीं मैंने जो पहले सुफियाना पार्ट फाइव जो आप बता रहे थे पार्ट टू वो जलालुद्दीन फानी साहब का उससे पहले मैंने सैफ उल मुल्क सुनाया वो मियां मोहम्मद बख्श साहब का है
और ये जो मैंने सुनाई है ये लोकगीत है, पहाड़ी लोकगीत। लोकगीत का मतलब होता है कि 100 साल 200 साल पुराना ही एक चीज होती है, वो किसी की नहीं होती। उसे कोई थोड़ा थोड़ा एडिशन करता रहता है, थोड़ा थोड़ा साथ में लिखता रहता है, तो वो किसी एक की नहीं होती। लोकगीत कैसे कहते हैं उसे। सर कितना मुश्किल रहता है अगर अपनी अगर बात करें तो, एल्बम निकालते हैं जैसे आप, उसमें लिखत होती है, फिर गाना, फिर शूटिंग, तो कितना मुश्किल रहता है। और आजकल सर जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो युवा, आपको पता है कितना डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तो प्लेटफॉर्म की कहीं ना कहीं कमी रहती है, तो आप एक सीनियर गायक होने के नाते उन लोगों तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? देखिए ये तो बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। मैं आपको इतना कहूँ कि अगर आप इसको प्रॉपरली तरीके से स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, जैसे मतलब एजुकेशन की जो तालीम होती है ना, उस तरीके से अगर आप इसको पढ़ेंगे, तो इसके इसको साथ में अगर कंपटीशन में आप डॉक्टरी ले लेंगे, तो आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपकी 5 साल आप पढ़ेंगे ना, तो एंट्रेंस दे के आप डॉक्टर बन सकते हैं। 5 साल में डॉक्टर बन जाता है ग्रेजुएशन के बाद, जो चीर फाड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो इतना बड़ा डॉक्टर बन जाता है। लेकिन म्यूजिक का डॉक्टर बनने के लिए, जिसको म्यूजिक की पीएचडी बोलते हैं, म्यूजिक में पीएचडी करने के लिए आपको 11 साल लगते हैं। क्या सर जब इसका डिप्लोमा डिग्री जब सीख जाता है बंदा, जब बंदा सीख जाता है तो वहीं तक वो महदूद रहता है कि रियाज उसके बाद जो है जारी रहते हैं? रियाज कंटिन्यू रहता है। अगर आप कोई भी चीज है, आप जमीन को ले लें, आप गाड़ी को ले लें, गाड़ी को आप 6 महीने नहीं चलाएंगे, खड़ी रखेंगे, जब स्टार्ट करेंगे उसमें 1000 प्रॉब्लम होगी। तो जमीन को आप अगर आबाद छोड़ेंगे तो उतना फसल नहीं देगी जब दोबारा करेंगे। हर चीज को कंटिन्यू चलाना पड़ता है। एक तो कंटिन्यू काम हो, गले में काम होता रहे। अगर आप लगातार काम कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो आप रियाज नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि गले में हरकत हो रही है। जी बिल्कुल। अगर आप काम नहीं है आपके पास, तो आपने घर पे बैठ के फिर रियाज करना है, नहीं तो गला खराब हो जाता है, जितने स्वर भी हैं सब खराब हो जाते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन हर युवा को करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कल्चर है, हमारी पहचान है। पहचान सिर्फ यहाँ ही से है। जब मैं कहूँ ना कि ऐसे कोई बोलता है हम डोगरे हैं, हम कश्मीरी हैं, हम गुजरे हैं, हम पहाड़ी हैं, लेकिन जब पहचान की बात आती है, तो यहाँ कोई भी बड़े बड़े फेस्टिवल जब होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हों या नेशनल लेवल के हों, तो वहाँ पे अपना अपना कल्चर दिखाया जाता है, वहाँ गाने वालों को बुलाया जाता है, वहाँ कोट पैंट लगा के, कोई टाई लगा के नहीं जाता कि मैं पहाड़ी हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं डोगरा हूँ, नहीं, वहाँ पे कल्चर को दिखाया जाता है। अगर कल्चर से हम लोग दूर हो रहे हैं, अपनी सकाफत से दूर हो रहे हैं, तो फिर हम अपनी पहचान क्या बताएंगे? सर आखिर में बस यही जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपको पता है कि रजौरी पुंछ में एक बड़ी जदोजहद चल रही है, मैं चाहता हूँ कि पहाड़ी, गुज्जर और बकरवालों के लिए एक ऐसा मैसेज दें अपने इशार के जरिए कि जितना भी वहाँ जदोजहद चल रही है उससे थोड़ा दूर रहें। हाँ, मैंने अभी एक इंटरव्यू में अभी बताया था, उन्होंने मुझे बताया कि एक शेर बताया, तो मैंने जस्ट इसी टाइम अभी एक शेर मतलब बनाया है। सब हो चंगे पल्ले ना अजाब करो, हो सदियां दे विरसे को सुने ओ, अज कल ना खराब करो, चंगे पले ना अजाब करो, ओ सदियां दा भाईचारा सुनियो, अज कल ना खराब करो, आए हाय एक पल ना खराब करो, सुनियो अज कल ना खराब करो। बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।